नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मौसम ये रेशमी जुल्फ़ कर दे दिल बहारों फूल बरबी आके जो तेरे। मखमली आवाज के बादशाह मोहम्मद रफी साहब अपने प्रशंसकों के लिए दिलों को छू जाने वाले कई सदाबहार गाने गाए हैं, जिन्हें सुनकर इंसान अपना दुख दर्द भूल जाता है। दिल मिल से तारों अभी ना जाओ, ये चांद सा रोशन चेहरा लिखे जो खत तुझे से। सुरों के सरताज रफी साहब ने अपने जीवन में लगभग 5,000 गाने गाए थे, जिनकी मधुर गूंज आज तक कायम है। मुझे तेरी मेरी महबूबा दुनिया तेरी आँखों। रफी साहब को पद्मश्री के साथ एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर जो तेरा चकराए ये मेरा प्रेम, यूं तो हमने ला इस तरह से रहूंगा मैं तुझे। कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, और रफी साहब सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में 31 जुलाई 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन रफी साहब के निधन के वर्षों बाद भी उनके गाने रिलीज होते रहे। आज हम एक ऐसे ही दुर्लभ गाने को प्रस्तुत करेंगे जो रफी साहब के निधन के कई वर्ष बाद रिलीज हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1987 में एक फिल्म आई थी मददगार, जिसको निर्मित किया था निर्मल आनंद ने तथा निर्देशित किया था रमेश पुरी ने, एवं जिसमें जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी, मदन पुरी, ओम शिवपुरी, रंजीत, शक्ति कपूर, ललिता पवार प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा गीत आनंद बख्शी और कुलवंत जानी ने लिखे थे। फिल्म में सभी संस्करण मिलाकर कुल 5 गाने रखे गए थे, जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने गाया था। मोहब्बत अमीरों से दुनिया का ये दस्तूर है। बता दें कि यह फिल्म 1978 में कौन था वो नाम से बननी शुरू हुई थी, जिसमें उस वक्त रफी साहब ने गाना गाया था, लेकिन कुछ शूटिंग के बाद किसी कारणवश निर्माण बंद कर दिया गया। इसी दौरान 1980 में हार्ट अटैक की वजह से रफी साहब का निधन हो गया। रफी साहब के निधन के कई वर्ष बाद फिर दोबारा निर्माण शुरू हुआ, और रफी साहब के निधन के 7 वर्ष बाद 1987 में मददगार नाम से रिलीज किया गया। बता दें कि मददगार का निर्देशन दिग्गज अभिनेता मदन पुरी के बेटे रमेश पुरी ने किया था, जिसमें उनके पिता मदन पुरी और चाचा अमरीश पुरी ने भी अभिनय किया था। हालांकि मदन पुरी मददगार को रिलीज होते हुए नहीं देख पाए थे, क्योंकि फिल्म उनके निधन के 2 वर्ष बाद रिलीज हुई थी। आइए रफी साहब के गाए हुए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं, जिसके बोल हैं क्या हुआ याद नहीं, कैसे हुआ याद नहीं, जिसे जितेंद्र पर 2 भागों में फिल्माया गया था। क्या हुआ याद नहीं, कैसे हुआ याद नहीं, अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। हम वही आप वही, फिर भी ये अनजानापन, कब हुई किससे हुई कैसी खता याद नहीं। आप बदले तो फिजा रंग बदल जाएगी, आप क्यों आज हैं हम सबसे खफा याद नहीं। अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। वास्तव में रफी साहब ने गाने को बहुत ही गहराई से गाया है। हालांकि यह गाना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म
जैसे तैसे काफ़ी देरी से रिलीज हुई थी, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा दर्शकों को अपने ओर नहीं खींच सकी और यही वजह रहा कि इसके गाने भी अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सके। यदि गीत का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को रफ़ी साहब का यह गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।